हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पोटली बटन बनाएंगे और ये हम दो तरीके से बनाएंगे और इसके लिए हम कॉटन यूज करेंगे। आप इसके लिए मार्केट से थर्माकोल की बॉल आती है तो वो भी ला सकते हैं और आप मोती का यूज भी कर सकते हैं। तो हम डोरी वाला पोटली बटन बनाएंगे तो उसके लिए मैंने ये देखिए, ये मैंने तीन लेयर धागा ले लिया है, तीन या चार लेयर ले सकते हैं। और कॉटन को लेंगे हम, ये देखिए इतना ले लेंगे, जितना हमें पोटली बटन बनाना है उतना ही हम ऐसे कॉटन ले लेंगे और उसको ऐसे मसल कर गोल कर लेंगे इस तरीके से। और जो मैंने ये पोटली बटन बनाने के लिए फैब्रिक लिया है, इसकी लंबाई मैंने 1.25 इंच ली है और चौड़ाई भी मैंने 1.25 इंच ली है, तो ये मैंने स्क्वायर पीस ले लिया है। अब जो ये बॉल हमने बनाई थी, इस बॉल को इसमें इस तरीके से रखेंगे और इसको ऐसे दबाते हुए दोनों अंगूठे के नाखून से ऐसे दबाएंगे और जो इसका ये कोना है, कोने को ऐसे पकड़ेंगे और फिर इसको ऐसे ऐसे हम इकट्ठा कर लेंगे फैब्रिक को। और इकट्ठा करने के बाद पोटली बटन को इस तरीके से हम घुमा लेंगे, फिर हम धागा लेंगे, धागे को ऐसे पकड़ेंगे इस तरीके से और इसको हम धागे को ऐसे पकड़ेंगे और ऐसे पोटली के चारों ओर ऐसे लपेट देंगे इस तरीके से और एक नोट लगा देंगे इसमें, ये देखिए। अब हमने जो डोरी ली है, डोरी को लेंगे ऐसे इस तरीके से हम नाप लेंगे और फिर इसको हम यहाँ से कट कर देंगे। ये कट करने के बाद हम डोरी को ऐसे लेंगे, इस तरीके से रखेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ से पकड़ेंगे और इस तरीके से पकड़कर ऐसे अच्छे से टाइटली पकड़ लेंगे और इसको हम धागे को ऐसे इस तरीके से लपेट देंगे। टाइट टाइट लपेटना है हमें इसके, बिल्कुल इस तरीके से हम लपेट देंगे। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा परफेक्ट पोटली बटन बन चुका है। तो धागे को अच्छे से हम लपेट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब हम इस फिर नोट लगा लेंगे, अच्छे से पक्का कर लेंगे ताकि हमारा पोटली बटन खुले नहीं। तो ये देखिए फिर हम धागे को कट कर लेंगे और जो ये फैब्रिक है इसको भी हम यहाँ से कट कर देंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा पोटली बटन बनके तैयार हो चुका है। ये हमने हाथ से बनाया है, अब मैं एक और पोटली बटन बनाकर दिखाती हूँ। ये देखिए हमें कॉटन ऐसे लेनी है, अब हम सुई से बनाएंगे और ये नीडल है, नीडल की हेल्प से हम बीच में सिलाई लगा लेंगे राउंड राउंड। एक गोला बना लेंगे, तो इस तरीके से ये देखिए ये एक गोला बना लिया है। इस गोले के बीच में हम इस तरीके से रुई को डाल देंगे और फिर इसको हम ऐसे खींच देंगे, ये देखिए इस तरीके से। खींचने के बाद सुई को ऊपर निकाल लेंगे, ये हमने खींच दिया इस तरीके से। अब इसमें हम तीन चार टाके लगा लेंगे, तो ये हमारा पोटली बटन इस तरीके से भी बहुत अच्छा बन जाता है। ये देखिए अब हम डोरी लेंगे तो डोरी को
कट करेंगे। डोरी को कट करने के बाद जैसे हमने उसमें लगाई थी, इसमें भी इसी तरीके से हम लगा देंगे एकदम टाइट। और लगाने के बाद इसमें भी हम टांके लगा लेंगे। इस तरीके से अच्छे से फिर हम लपेट लेंगे। लपेटने के बाद फिर हम टांका लगा लेंगे ताकि अच्छे से पक्का हो जाए। अच्छे से हम पक्का करेंगे। ये देखिए हमने पक्का कर लिया है। अब हम धागे को कट कर लेंगे। धागे को कट करने के बाद एक्स्ट्रा फैब्रिक को भी कट कर लेंगे। ये हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया। अब ये देखिए ये हमारा हाथ से बना हुआ है, जो हाथ से हमने धागा लपेटा था, और ये हमारा सुई से बनाया हुआ बटन है। तो ये देखिए दोनों एक तरीके से बने, इनमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारे पोटली बटन की वीडियो पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।